गजेंद्र, इसे बहन की जहन की पुड़िया अपना असर दिखाना शुरू करे, हमें हमारी अदिति के बारे में कोई फैसला लेना होगा। जहर नहीं, भाभी है वो मेरी। एक ऐसी बहन जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे भाई से, इस घर से हमेशा हमेशा प्यार किया। जहर नहीं है वो, चुप रहो। अभी भी तुम्हारी जबान चल रही है। चलो तुम यहां से चलो। ताई जी, बड़ी माँ, आप अदिति को क्यों सजा दे रही हैं? इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। इस पूरे मामले में किसकी गलती है ये हमें बताने की जरूरत नहीं। अब हम तुम्हें अपना वादा याद दिलाना चाहते हैं। हमारा वादा सिर्फ तुम्हारे कमरे तक सीमित है। हमने तुम्हें उंगली क्या पकड़ाई, तुम तो हमारा दामन पकड़ने लगे। बड़ी मां, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर किसकी इजाजत से तुमने ये तैयारियां करवाई? किसकी इजाजत से इन बाहर वालों को तुम हमारे छत पर लेकर आए हो, बोलो। बड़ी मां, मैंने वही किया जो मैं बचपन से देखता आया हूं। एक नई नवेली दुल्हन और एक दुल्हे का आदर सत्कार। सत्कार के नाम पे रस्में निभाई जा रही है बड़ी मां। इस घर में अपनी जगह और भी मजबूत करने की कोशिश हो रही है। ये मामूली चूड़ियां, ये छुट्टे, ये सब इकट्ठे करके, मामूली चीज नहीं है थी, प्यार है, आशीर्वाद है, और इनका कोई मोल नहीं होता थी। रीमा, तुम्हारे पति से बात करना बिल्कुल बेकार है। तुम्हें इसे अच्छी तरह से समझा दो। जैसे हमने इसे सीईओ का ताज पहनाया है, उसे उतारने में हमें एक दिन भी नहीं लगेगा। और अगर पोजीशन चली गई तो वादा भी चला जाएगा। अगर एक बार हमने अपना फैसला बदल लिया तो समझा दो इसे कि इसके बेशर्म मेहमानों के सर के ऊपर से छत भी छिन जाएगी। विवान, ये क्या कर रहा है तू बेटा? कब तक इसी तरह अपनी बड़ी मां का दिल दुखाते रहेगा? मुझे बात समझ में क्यों नहीं आ रही? चल मैं समझाता हूं तुझे, चल यहां से। डैड, तो सुनो लड़की। बड़ी मां प्लीज, हम तुमसे नहीं, इस जहर की पुड़िया से बात कर रहे हैं। ये हमारा घर है, गीतांजलि देवी और उस्वाल का मंदिर। यहाँ ये पान पीड़ा, दूध का ग्लास, फूलों से सजी स्टेज, ये सब ओछी हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी। यहाँ नहीं चलेंगी तुम्हारी अय्याशियां। अय्याशी? सिमर मेरी पत्नी है बड़ी। जिस शादी को हम मानते ही नहीं, उसके चलते बिताई हर रात हमारे लिए सिर्फ अय्याशी ही है। ये बात हमेशा याद रखना। आरव जी प्लीज बुरा मत मानिए। आरव जी वो गुस्सा है, इसलिए ऐसी बात की उन्होंने। यहां रखे दूध, उसे सब देख गया, लेकिन शायद गलती से आपकी आंखों से वहां रखा सिंदूर। ये सिंदूर छूट गया।
जो रिश्ता खुद माता रानी के आशीर्वाद से बंधा वो सिर्फ दो चार शब्दों में याशी नहीं बनने वाला अरुचि, लेकिन फिर भी इस घर के बड़े बुजुर्गों की खातिर एक बार फिर मेरी मांग भर दीजिए अरुचि। हमारे इस रिश्ते को एक बार फिर जग जाहिर कर दीजिए अरुचि। गजेंद्र, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम इनके हिम्मत की दाद दे या इनकी बेशर्मी से आंखें फेर ले। गार्ड, डेकोरेशन उतार कर फेंक दो और ताला लगा दो छत पर, बल्कि हर उस जगह पर ताला लगा दो जहां पर जश्न या जलसा हो सके। और जब तक हम ना कहें तब तक इस घर में ना कोई तीज, ना कोई त्योहार, ना ही कोई खुशियां मनाई जाएगी। अब रहो इस कमरे में। कर दीजिए कैद मुझे, वैसे भी कौन सा पहली बार है जो मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। अब तो आदत पड़ गई है मॉम ये सब सहने की। बड़ी माँ को यही तो आता है ना, अपना रुतबा अपना रौब इस तरह से हमें दिखाने का। सब के सब प्यार के दुश्मन है यहाँ पे, प्यार इतना बुरा कब से हो गया? प्यार बुरा नहीं है दीदी, बिल्कुल बुरा नहीं है। गगन, तुम यहाँ अभी तक हो, तुम्हें चले जाना चाहिए था ना, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें इस हाल में कैसे छोड़ के जा सकता था मैं?
बड़ी माँ ने इस घर के लिए कुछ नियम कायदे बनाए हैं। तुम सबको वो नियम कायदे पता है ना, फिर भी तुम लोगों ने तोड़ दिए। किसी पराए की खुशी के लिए तुमने अपने बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोचा। एक बार नहीं सोचा कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तो तुम लोग क्या करोगे। हमारा क्या है, हम तो किसी के भी मुंह पे पैसे फेंकेंगे तो वो खुशी खुशी हमारे लिए काम कर लेंगे। लेकिन तुम लोगों का क्या होगा, कैसे पेट पालोगे अपनी फैमिली का। सब नीचे जाओ और बड़ी माँ का इंतजार करो। सुना नहीं, निकलो यहां से। जाइए आप सब भी। बड़ी माँ, इस लड़की के दिल में गरीबों के लिए बहुत दर्द है, मगर मच के आंसू है बड़ी माँ। आज हम सब ने देख लिया, इस लड़की को सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है, किसी के बारे में नहीं सोचती वो। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में जो होने वाला है उसके बाद सबको पता चल जाएगा कि इस लड़की के आंसू सच्चे हैं या घड़ियाली। क्या होने वाला है बड़ी माँ? हम जिस बड़ी गलती की बात कर रहे थे ना चित्रा, इस लड़की ने वो गलती कर दी। गलती कर दी? क्या किया सिमर ने बड़ी माँ, और अब क्या करने वाली है? गगन, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। बड़ी माँ ने इस बार अगर तुम्हें देख लिया ना तो पता नहीं तुम पे गोली ना चला दे। तुम यहाँ आए ही नहीं क्यों थे, तुम्हें चले जाना चाहिए। जाओ, एक काम करो। जा दीदी, मैं यहाँ किसी वजह से रुका हूँ। कौन सी वजह गगन? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। गगन प्लीज स्टॉप, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ तुम्हें। बात करनी पड़ेगी अदिति, आज तो बात करनी पड़ेगी, और मुझे माफ भी करना होगा। मैंने कहा मत देखो मुझे, जाओ यहाँ से। तुम चले क्यों नहीं जाते गगन? तुम बहुत गलत हो जाएगा, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। मैं तुम्हारी हर डांट, हर गुस्सा, हर नफरत डिजर्व करता हूँ, लेकिन मुझे जाने के लिए मत कहो। कहूंगी, एक बार नहीं 10 बार कहूंगी। जस्ट लीव मी। जैसे उस दिन छोड़ा था मुझे। प्लीज गगन, स्टे अवे। गगन पीछे हटो। गगन मैंने कहा आगे मत बढ़ो, ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। मुझसे गलती हुई है अदिति, बहुत बहुत बड़ी गलती हुई है अदिति। अदिति प्लीज लुक इनटू माय आईज। अदिति आई एम सॉरी,
I'm really, really sorry. Please. Sorry, I'm sorry, Aditi. I'm really sorry. मैंने अपनी बहन को उसी दर्द से जूझते हुए देखा है जो दर्द मैंने तुम्हें दिया था। भगवान ने शायद ऐसा इसलिए किया ताकि मुझे उस गलती का एहसास हो सके। एंड ट्रस्ट मी अदिति, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। इस गिल्ट में धीरे धीरे मर रहा हूं मैं। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। प्लीज सेव मी अदिति। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सो सॉरी। प्लीज प्लीज। सॉरी बोल तो दिए हैं, और क्या चाहते हो आप लोग? जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ ना हो, ये चाहता हूं मैं। तू जानता है ना, एक ओसवाल होते हुए पूरी जिंदगी मैं बस अपने भाई का मैनेजर बन के रह गया। हमेशा उनकी परछाई में रहा मैं, और मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ ऐसा कुछ हो। बड़ों की परछाई बनने में प्रॉब्लम क्या है डैड? इस घर ने, बड़ी माँ ने यही तो सिखाया है कि बड़े हमेशा आगे आगे चलते हैं और छोटों को उनकी छांव में चलना चाहिए। मैं भी यही कर रहा हूँ तो क्या हो गया है? एटलीस्ट मुझे ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी आरव भाई को लाइफ का काम का मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली। विवान तू क्यों नहीं समझ रहा बेटा, ये बड़ी मां की आखिरी वार्निंग थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। विवान अपने बाप के लिए ना सही, कम से कम अपने बड़े भाई के लिए तो मान जा। तू जानते है ना अपनी बड़ी मां का गुस्सा, कहीं गुस्से में आके उन्होंने उन्होंने तुझसे तेरे कमरे वाला हक भी छीन लिया तो। विवान बेटा, अगर तू चाहता है कि आरव तेरे कमरे में रहे तो बेटा वैसा ही कर जैसे बड़ी मां चाहती है। ओके, दैट्स माय बॉय। ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा। ये की ना मेरे विवान वाली बात। मैं चाहता हूँ कि कल से तू ऑफिस जा, और ऑफिस जाके कुछ अहम बड़े और प्रॉफिटेबल फैसले ले। ऐसे फैसले जिससे कि तू बड़ी माँ की आंखों का तारा बन जाए, उन्हें यकीन हो जाए कि उन्होंने जो तुझे सीए बनाया है वो फैसला एकदम सही है। उनका विश्वास, उनका यकीन तुझ पे पक्का हो जाए। नहीं चलेंगी तुम्हारी अय्याशिया। जिस शादी को हम मानते ही नहीं, उसके चलते बिताई हर रात हमारे लिए सिर्फ अय्याशी ही है। यहां नहीं चलेंगी तुम्हारी अय्याशिया। आरव जी, अरे मैं सब बोल कह सकती, कैन शी यूज दैट वर्ड? अय्याशी, अपने और पोते और उनके बहू के लिए सोचा भी कैसे उन्होंने? हाउ कैन शी थिंक दैट? आरव जी, आरव जी, वो गुस्से में आरव जी, और वो जश्न देखकर उन्हें और दुख पहुंचा। हमने उन्हें दुखी की, दुखी होकर उन्होंने ये सब कह दिया। दुखी है हमारी बड़ी है तो कुछ भी बोल देंगे क्या? सिमर, सिमर तुम मेरी पत्नी हो। आरव जी, ये सब बस शुरुआत है। अभी हमें उन्हें मनाने के लिए इससे भी कठिन सिचुएशंस का सामना करना होगा। अब अभी से उनकी बातों को दिल पे लेने लग गए तो आगे क्या होगा? आरव जी, आरव जी, आप उनकी बात सुनिए जरूर, लेकिन अपने दिल पे असर मत करने दीजिए।
सिमर तुम मुझे सच सच बताओ, एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे साथ अय्याशी कर रहा हूं? कभी भी मेरे गलत इंटेंशंस रहे हैं तुम्हारे लिए? सच बताओ मुझे, टेल मी द ट्रुथ। नहीं आरव जी, आपकी आंखों में अय्याशी कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आरव जी, मैंने इससे पहले आपकी आंखों में सिर्फ इज्जत और आदर देखा था, और अब प्यार, बहुत सारा प्यार।